चलिए तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की अगर बातें कर लें तो इसमें ये फर्स्ट पॉइंट का ही चल रहा है, क्लीवेज ऑफ ओएच लिंकेज। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल की अगर बातें कर लें तो इसमें बात आएंगी कि सबसे ज्यादा एसिड क्यों है, कौन है। सबसे पहले बात आएगी अल्कोहल एसिड क्यों है, दूसरी बात आएगी कि अरेंज द एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी ऑर्डर में सजाइए। ठीक है, तो पहली बात आएगी अल्कोहल एसिड क्यों है, तो लिखेंगे अल्कोहल हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन, अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों लिखना, अल्कोहल एंड फिनॉल हैव टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन इन वाटर सो इट एक्ट एज एन एसिड। क्लियर है। अब बातें करेंगे कि एसिडिटी ऑर्डर, तो देखना इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे प्लस आई एंड प्लस एम मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। इफेक्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, क्यों करता है ये लिखते हैं, ये रटना नहीं है, ये बस लिखवा दिया मैंने, सॉक्स है, समझ जाते हैं क्या होता है। इसके अगले पॉइंट में लिखेंगे माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। अब बातें आ गए कि ऑर्डर में बता दो सर, तो माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा एसिडिटी को बढ़ाएगा, जिसमें माइनस एम होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन माइनस आई, देन प्लस आई, देन प्लस एम, ये होगा एसिडिटी ऑर्डर। इसको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट होगा, समझने के साथ इंपॉर्टेंट होगा, बिना समझे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे इसको। देखो कैसे, अब इसमें एग्जांपल्स लिख लेते हैं, थोड़ा सा नोट करके एक पॉइंट और लिखना है जो अभी लिखवा चुका हूं, फिर से लिखेंगे। याद रखना अल्कोहल का एसिडिटी का एक पॉइंट और लिख लो, उसके बाद से एग्जांपल्स लिखते हैं। इसमें प्राइमरी एसिडिटी ज्यादा होगा प्राइमरी का, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। प्राइमरी की एसिडिटी ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी, कैसे वो देख लेते। अलग पॉइंट में एक और लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे, सुनना नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। देखो कैसे लिखेंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन मिथाइल एल्कोहल, लेना इन एक्वस सॉल्यूशन मिथाइल एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, वो रीजन है क्यों, बिकॉज सुनना, बिकॉज ये रीजन है क्यों, क्योंकि अगर इसका H प्लस निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस, इसका H प्लस निकाल दिया तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि एसिड है तो H प्लस निकाल के ही चेक करूंगा। अब मोस्ट स्टेबल कौन है, जो जितना जितना ज्यादा स्टेबल उतना ही जल्दी बना होगा, मतलब मोर स्टेबल कौन, यहाँ पे एक CH3 दे रहा है तो ये CH3 का निगेटिव बढ़ जाए O का, यहाँ पे दो कार्बन मिलकर CH3 को सॉरी O को निगेटिव और दे रहा है, मतलब निगेटिव और ज्यादा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी कम है, मतलब इसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा है। ठीक है, यही ना करके चलते हैं। अब बता दें कि इसकी एसिडिटी ज्यादा है इन एक्वस, बिकॉज इन मिथेनॉल देयर इज लेस प्लस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू इथेनॉल। इसके अगले पॉइंट में, इसी में अगले लिखेंगे, बट ये नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इन वेपर फेज ठीक है, इथेनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, इथेनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लिख लेना, भूलना नहीं। अब अगले पॉइंट्स में अगर आ जाए अपन लोग, एक पॉइंट और लिख लेंगे, वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू मिथेनॉल, मेथेनॉल इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक है और इथेनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है वाटर, वाटर इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल एंड इथेनॉल जो भी हो। ठीक है, तो H2O का एसिडिटी ज्यादा होता है मिथेनॉल से। ठीक है, अब बात आती है क्यों, इसके बाद और भी लिखवाता हूँ, ये वाई, ये सब वाई वाले कारण के लिए लिखवा रहा हूँ, इसके आगे और लिखवा देता हूँ एसिडिटी ऑर्डर। तो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट इन मेथेनॉल, प्लस आई इफेक्ट इन मेथेनॉल, सुनना स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट इन मेथेनॉल इट इज लेस एसिडिक, जैसे H2O की बातें करो तो HOH, मेथेनॉल की बातें करो तो CH3OH, अगर H प्लस दे दिया तो निगेटिव, ये H प्लस दे दिया तो निगेटिव, यहाँ पे H के द्वारा यहाँ पे भेजा जा रहा है निगेटिव, H के द्वारा कितना निगेटिव भेजा जा रहा होगा, बहुत 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 कम, यहाँ पे CH3 के द्वारा मतलब H के द्वारा भेजा गया C को 3H के द्वारा, और तीनों H के द्वारा जो C पे आया उसके द्वारा फिर भेजा गया ऑक्सीजन पे, मतलब इसकी भेजने की निगेटिव क्षमता ज्यादा है, तो यहाँ पे निगेटिव ज्यादा इंक्रीज कर रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब ये मोर एसिडिक है, फैक्ट है। बट थोड़ा सा और आगे की बातें अगर देख लो, देखना यहाँ पे मैं इसको बताता है, बट एल्कोहल का जो एसिडिटी ऑर्डर, देखना
यहाँ पे हम H2O के सबसे ज़्यादा देख लिए, देन अगर बातें करें तो CH3OH की बातें कर ली, क्योंकि अल्कोहल में सबसे ज़्यादा एसिडिक यही है, इससे भी ज़्यादा एसिडिक वाटर है, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है अल्कोहल में, अल्कोहल फिनॉल की बातें नहीं करें, अल्कोहल की बातें करें। अब बातें आएंगी एसिडिटी की, CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद इसकी एसिडिटी आती है, इसके बाद से NH3 की एसिडिटी आती है, NH3 इज बेस। तो इस तरह का एसिडिटी ऑर्डर में अल्कोहल आता है, इतनी कम एसिडिटी, बट इसकी एसिडिटी ऑर्डर अपन लोग को पढ़ना है। अब देखो हम लोग अगले पॉइंट में क्या लिखने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट करके एक बार लिख चुके हैं पिछले वीडियो में, इस बार फिर से लिखेंगे, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स माइनस एम इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे। ये पूरा हुआ लिखने का तरीका, देखेंगे फिनॉल अल्कोहल में क्या रिलेशन है। फिनॉल बोले तो OH, अल्कोहल बोले तो सबसे स्टेबल अल्कोहल ले लेते हैं CH3OH, सबसे स्टेबल अल्कोहल, सबसे स्टेबल अल्कोहल। इन वाटर फेज की बात करेंगे एक्वस की, गैसेस फेज में इथेनॉल अल्कोहल मोर स्टेबल होता है, उसको भूल जाएंगे अभी क्योंकि वो गैसियस की बातें हैं। तो अगर इसकी बातें कर ले तो यहाँ से H+ निकाले तो यहाँ माइनस आया, यहाँ से H+ निकाले तो यहाँ माइनस आया। H+ क्यों निकाल रहे हैं सर, एसिड एसिड तो H+ निकाल रहे हैं, H+ निकाले तो जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा फॉर्म हो रहा होगा, यही तो चेक करने हैं। मतलब अगर मैं बातें करूँ इसका तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इट इंक्रीजेज द नेगेटिविटी, इट इंक्रीजेज द नेगेटिविटी, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, तो देखना यहाँ पे लोन पेयर है विथ निगेटिव, तो यहाँ पे लोन पेयर फॉर्म बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर फॉर्म लोन पेयर, इसको बोलते हैं रेजोनेंस से खींचना इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को खींचना, खींचना मतलब घटाना, घटाना मतलब घटाओ, रेजोनेंस से रेजोनेंस, तो मेजोमेरिक कर लो या रेजोनेंस कर लो, दोनों सेम चीज़ है, मेजोमेरिक कर लो या रेजोनेंस कर लो, दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस एम इफेक्ट इट इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स बिकॉज अल्कोहल है प्लस आई इफेक्ट। अब देखते हैं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना, ऑक्सीजन यहाँ निगेटिव आया, फिनॉक्साइड आयन हैव फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखो कैसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बोलो शुरू हो जाए क्या, अब याद आ रहा होगा घटनाएं, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गई, ये तो डबल बॉन्ड बन गया, ये जैसे था वैसे था, अब यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बगल का बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर, ये सब आता है ना, ये नहीं आता है तो एक बार दूसरे वीडियो को देखो, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। यहाँ देखो अब यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि ये लोन पेयर डबल बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे ये हो गए, यहाँ पे जो था था जैसे रहेगा वैसे रखेंगे। अब ये लोन पेयर बगल के बॉन्ड को बॉन्ड देगा तो डबल बॉन्ड, अब दो लगातार डबल बॉन्ड नहीं हो सकते, इसलिए ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनाएगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, यही कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये यहाँ पे ऐसे बना लेगा, देखना थोड़ा सा, ये ऐसे था तो था, ये ऐसे था तो था, ये अभी बॉन्ड बना है नया और ये टूट के लोन पेयर बना लिया है यहाँ पे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, फिर हमारा जो स्ट्रक्चर आगे वाला आएगा वो ऐसा ही हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाएंगे। तो देयर आर फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव कहाँ है, कुछ देर के लिए यहाँ, कुछ देर के लिए यहाँ आ गया, कुछ देर के लिए यहाँ आ गया, कुछ देर के लिए यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, मतलब पूरे टाइम में वो नेगेटिव घूम ही रहा है, तो इनस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट करेगा, सोच के देखो, तो स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए फिनॉल इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल इन एनी केस। क्लियर है, अब बातें थोड़ा कर लेंगे आगे की कि फिनॉल और अल्कोहल्स में कैसे कैसे एसिडिटी ऑर्डर बढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो अपन ने बता दिया, चलो ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में ही थोड़ा सा मिलके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर जेई एंड मेडिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं बोलूँ CH3 CH2 CH2OH, सब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होंगे, CH3 CH2OH, तो यहाँ पे तीन कार्बन्स मिलके इस निगेटिव दे रहे हैं इसको, ये भी निगेटिव, तो यहाँ पे दो कार्बन बढ़ के निगेटिव बढ़ा रहे हैं, तो निगेटिव इधर कम बढ़ रहा है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सुनते जाना। अगर मैं बात बोलूँ CH3 CH OH OH, सॉरी यहाँ CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पे आएगा CH3 CH2 CH2 OH, तो यहाँ पे बोल सकते हो तो सेकेंडरी है प्राइमरी, तो प्राइमरी इज मोर स्टेबल, देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे CH3 पास पास से डोनेट कर रहा है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा होगा, ये H+ निकला तो निगेटिव, ये H+ निकला तो यहाँ निगेटिव, तो यहाँ पास पास से निगेटिव बढ़ा रहे हैं, मतलब इसकी निगेटिव ज़्यादा बढ़ रही होगी, ये दूर दूर से निगेटिव बढ़ा रहे हैं, इसकी निगेटिविटी कम बढ़ रही होगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, दोनों में तीन तीन कार्बन है। तो अगर मैं बात कर लूँ अगला स्टेप्स की, कि CH3 CH यहाँ CL
यहाँ ओ एच, और यहाँ पे सी एच थ्री सी एच, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ ओ एच। अब इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो अगर मैं चेक करूँ, देखना हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, मेरे को जल्दी जल्दी करवा लेंगे, तो बाद में एक दो बार पढ़ लेना। H प्लस निकाल दिया तो निगेटिव, H प्लस निकाल दिया तो निगेटिव, जिस पे जितना ज़्यादा निगेटिव उतना ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। अभी तो सेम निगेटिव है, तो फैक्टर रिवाइज करेंगे, ये सी एच थ्री है, ये सी एच थ्री है, ये भी देगा, ये भी देगा, कैंसिल नहीं चला। यहाँ पे क्लोरीन निगेटिव को खींच रहा होगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा, यहाँ फ्लोरीन निगेटिव को खींच रहा होगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा रहा होगा। अभी कौन सबसे ज़्यादा खींच रहा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन ज़्यादा निगेटिव को खींच रहा है क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही होगी, यहाँ स्टेबिलिटी कम बढ़ रही होगी। अगर यही बात अभी थोड़ा सा आगे कर लें, सी एच टू सी एल सी एच टू ओ एच, अगर यहाँ पे यही बातें कर लो, सी एच थ्री सी एच सी एल ओ एच। अभी देखो यहाँ पे H प्लस देगा, देखो एसिडिटी चेक करना है तो H प्लस हटा दो, निगेटिव लगाओ, H प्लस हटा दो, निगेटिव लगाओ, एसिडिटी चेक करने से पहले ये कर लो। अब बातें कर लो, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो कौन ज़्यादा खींच रहा है, ये क्लोरीन थोड़ा पास में है तो पास से ज़्यादा खींच रहा होगा, ये क्लोरीन दूर में है तो दूर से थोड़ा कम खींच रहा होगा। यही ना थ्योरी है, थ्योरी है तो कंप्लीट करो। ये कम खींच रहा है मतलब इसकी नेगेटिविटी अभी भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा खींच रहा है मतलब नेगेटिव थोड़ा कम हो गया है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये है अल्कोहल की एसिडिटी ऑर्डर का तीन चार फंडा। अब बातें आ जाती है फिनॉल की, फिनॉल की एसिडिटी ऑर्डर सब थोड़ा सा सजा के बता दीजिए। देख लो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि जितना ज़्यादा लेंदी होगा उतना ही ज़्यादा बोरिंग होगा, इसलिए जल्दी जल्दी देखते चलो। फिनॉल की एसिडिटी ऑर्डर थोड़ा देख लें, तो फिनॉल है ठीक है, और इसको कोई एक ग्रुप दे देता हूँ सी एच थ्री, और इसको कोई एक और ग्रुप दे देता हूँ मैं ओ एच, दोनों साइड। अब इसमें स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, किसकी क्या होगी देख लेते हैं। चलो एसिडिटी चेक करें तो एच हटाएंगे निगेटिव लगाएंगे, एच हटाएंगे निगेटिव लगाएंगे, एच हटाएंगे निगेटिव लगाएंगे सबसे पहले। दूसरी चीज़ अब देखेंगे, निगेटिव सब पे सेम आया है क्योंकि सबका एच हटा है, किसी में ज़्यादा किसी में कम तो आया नहीं होगा क्योंकि सबका एच हटा है, सेम चीज़ हटाएंगे तो सेम निगेटिव देखे जाएगा ना। अब बात आएंगे किस पे स्टेबल हो रहा है, किस पे निगेटिव को खींचा जा रहा है, जिसका निगेटिव खींच लिया जाएगा उसका निगेटिव कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, खत्म नहीं किया जा सकता निगेटिव, ये याद रखना। यहाँ पे फिनोक्साइड है तो अभी देखे थे लोन पेयर बॉन्ड पेयर खींच लेगा, यहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप, सी एच थ्री ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, देता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन इसको खींचा जा रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दे रहा होगा, मतलब जितना तेजी से ये खींच रहा होगा ये थोड़ा भी तेजी से अगर दे रहा होगा तो कुछ तो कम खींच रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर से ये निगेटिव देगा, ये निगेटिव इधर, ये निगेटिव इधर, मतलब सारे निगेटिव इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। अभी ये रेजोनेंस से दे रहा है इसलिए ये ज़्यादा दे रहा होगा, ये इंडक्शन से दे रहा है इसलिए इंडक्शन से कम दे रहा होगा, ये कुछ नहीं कर रहा है, दे रहा है ना ले रहा है। अगर ऐसा मारे कि बेंजीन को नल मान ले, मतलब बेंजीन तीनों में है मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है ठीक। अब बात कर रहे हैं तो ये कुछ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ठीक है, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ा रहा है, ये खींच रहा है, ये मतलब घटा रहा है ठीक है, यहाँ कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर बातें कर ले तो यहाँ पे बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसके द्वारा, तो अनस्टेबल सबसे द्वारा, देन अनस्टेबल ये, देन सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। तो अगर ए बी सी कर लें तो सबसे ज़्यादा ए देन बी देन सी। बोलो ये है एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फिनॉल का चेक करने का तरीका। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ, देखना ओ एच एन एच टू, सुनना अभी एक क्वेश्चन और भी अच्छा की तरफ लेके चलूँगा तुम लोगों को, एन ओ टू ये सब बातें आती हैं। तो अब बातें आती हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि NH2 ग्रुप जो होगा ये देखो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास लोन पेयर ये इधर देगा, मतलब निगेटिव को और बढ़ा रहा है ठीक है। पहले देख लेते हैं निगेटिव को बढ़ा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये निगेटिव को घटा रहा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ओ एच की बातें करें तो हाइड्रोजन दे रहा है, यहाँ पे दो दो लोन पेयर से, तो दो दो लोन पेयर से तो जल्दी देगा, यहाँ पे एक लोन पेयर से तो थोड़ा धीरे देगा। देखो दोनों रेजोनेंस है, अब रेजोनेंस में कौन स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है, तो ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सी एच थ्री ओ एच, ये तो एल्कोहल है, एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनॉल, तो फिनॉल के बाद में उसकी बातें करेंगे। अगर मान लेते ये ए ये बी ये सी और ये डी की बातें हो रही है तो
ऑर्डर में सजाना है तो सबसे लेस तो अपन का डी हो जाएगा, देन लेस। इसके बाद अगर सबसे स्ट्रांग की बातें करें तो यहाँ देखो ये निगेटिव को घटा रहा है, ये निगेटिव को बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, तो ये घटा रहा है मतलब बी हो जाएगा सबसे ज़्यादा। देन अब बातें करो थोड़ी सी आगे, ये दोनों बढ़ा रहे हैं, इसमें से कौन सबसे जल्दी बढ़ा रहा होगा, ये बढ़ा रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन ये स्टेबल, तो ए देन सी देन डी। ठीक है, इस तरह से करके कर सकते हैं। इसके बाद से एक चीज़ और अगर देख लें थोड़ा सा, एक रिएक्शन और मैं बता देता हूँ, और एक रिएक्शन तुम लोग को मैं बताऊँगा कि तुम लोग घर से क्या करने हैं। देखना अगर मैं बोलूँ OH, अगर NO2 है, OH अगर NO2 और NO2 हो जाए NO2 और NO2 हो जाए तो इसमें मोर एसिड, ये पिक्रिक एसिड है, इसमें मोर एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक। देखना NO2 सर आपने बोला इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसकी निगेटिव को कम कर देगा, स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ पे दो के वजह से खींचा जाएगा तो और ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे तीन के वजह से खींचा जाएगा तो और स्टेबल होगा, मतलब मोर एसिडिक इज दिस, मोर एसिडिक इज दिस, देन मोर एसिडिक। नोट करके एक लास्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन लिख लेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एमिनोफिनॉल, एमिनो AMAMINO एमिनोफिनॉल, एमाइन होगा ऑर्थो पे, मेटा एमिनोफिनॉल और पैरा एमिनोफिनॉल, ये तीनों के बारे में तुम लोग थोड़ा करना, दोनों के बारे में। अब नोट करके एक लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि एसिडिटी, सुनना, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, Ka इज मतलब, Ka का मतलब डिग्री या डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे HA कोई एक एसिड है, टूट के H प्लस और A माइनस बना रहा है, सुनना कैसे ये लाइन आया वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर इसका Ka लिखे, Ka मतलब K कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A फॉर एसिडिक कांस्टेंट, मतलब एसिड क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बातें कर रहा है, टूट रहा है तो डिसोसिएशन, जुट रहा हुआ था एसोसिएशन, तो आएगा H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA, यही ना आएगा, बोलो ये तो बचपन से सीखते आ रहा, मतलब Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, सर ये तो डायरेक्ट आप दिख रहा है, तो अगर ये डायरेक्ट है H प्लस मतलब एसिडिटी, H प्लस जितना ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिटी होगा। तो अगले पॉइंट्स को अगर लिखें यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रब कर दूँ मैं, तो लिख सकता हूँ H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। ठीक है, अगर ये पॉइंट फर्स्ट, अगर ये पॉइंट सेकेंड लिखें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, तो जो ऊपर वाला था ये कहाँ से आया वो मिल जाएगा। इसके बाद अगर फर्दर इसके नीचे लिखेंगे टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड, दोनों साइड माइनस लॉग ले लेते हैं, ठीक है चलो दोनों साइड माइनस लॉग लेंगे, तो माइनस लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मिनट, इन इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट लिखना, ये इक्वेशन की बात करें, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस की, तो यहाँ पे बात होगी माइनस लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस लॉग को पी बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, तो पी के ए इज इक्वल टू पी एच, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब पी एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के ए, पी एच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के ए, ये इक्वेशन थर्ड आया, एंड वी नो दैट पी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एसिडिटी, pH बढ़ते जाता है मतलब एसिडिटी घटते जाता है, फोर्थ पॉइंट ये पता है ना, pH 7 के बाद बेस हो जाता है, pH 1 इज मोर स्ट्रॉन्ग बेस एसिड, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लिख सकते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या लिखेंगे, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ये देखना था क्योंकि हमको क्वेश्चन में pKa वैल्यू दे देगा और एसिडिटी बोलेगा चेक करने के लिए कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, ये कोई ट्रू वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, अलग वैल्यू हो सकती है, लिखेंगे pKa वैल्यू फॉर मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर, मिथेनॉल एंड इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर 6, 7 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये मैंने अपने मन से दिया,
6, 7 and 8 respectively. Then find their acidity order. ठीक है, तो पी के ए सबसे ज्यादा किसका है? इसका, ये प्रोपेनॉल का है, तो प्रोपेनॉल का ज्यादा है, 8 है. इथेनॉल का 7 है. देन मेथेनॉल का 6 है. तो एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा, एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके. ठीक है, तो एसिडिटी हो जाएगा मेथेनॉल, देन हो जाएगा इथेनॉल, देन हो जाएगा प्रोपेनॉल. तो तुम लोग इसको कंप्लीटली लिखना, ये हो जाता है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल फिनॉल ईथर, खत्म. इसके बाद से तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से हो जाएगा ये. एक बार और एसिडिटी सिखाऊंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, बस. इसके बाद से एक बार बेसिसिटी सिखाऊंगा एमाइन का, बस. इसके बाद से एसिडिटी बेसिसिटी नहीं सिखाऊंगा. कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर एसिडिटी बेसिसिटी बता दीजिए, उन लोगों के लिए एसिडिटी हो गया. ठीक है, इसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.